क्योंकि शुरू में मैं एक बात बोलना चाहूँगा जी, मैं अभी कैलकुलेट कर ही कर रखा इस चीज़ को, क्योंकि एक भाई ने मुझसे रब्ता किया व्हाट्सएप के ऊपर, मुझसे इसी के मतलब पूछ रहे थे कुछ। यानी कि मैं आपको अभी रेट भी बता देता हूँ, पहले एक चीज़ आपको बताने वाला था इंटरेस्टिंग है जी, वो ये है जी, आज से एक हफ्ता पहले हम अगर रियाल भेजते थे तो कम अज़ कम 63 रेट तो था जी, यानी कि 63 प्लस में भी रेट गया। अगर 63 की बात करें हम तो अगर 5,000 का उस टाइम हिसाब लगाते थे तो 3,15,000 बनता था, और अगर पाकिस्तान में लाकर उस टाइम आप चेंज करवा रहे तो आपका 3,20,000 या 3,22,000 मिल रहा था आपको। अभी 7 दिनों के अंदर डिफरेंट देख लें कितना है, 7 दिनों बाद अभी अब अगर आप रियाल भेज रहे हैं 60 का तकरीबन रेट अभी चल रहा है, और रेट मैं मुस्लिम बैंकों के हिसाब से भी बताता हूँ आपको, अभी 3 लाख बन रहा है जी, और पाकिस्तान में वही 3, 4, 5 बनेगा, यानी कि 15,000 से 20,000 रुपये का डिफरेंट आया है इन कुछ दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ आज का जी डॉलर का और रियाल का रेट शेयर कर दूंगा बैंकों के हिसाब से, और एक्सचेंज रेट जो है यो वो भी जी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर रेट के मतलब, जो कि आज का 228 रुपये 10 पैसे रहा आज का रेट, और कल की निस्बत ये 50 पैसे मजीद सस्ता हुआ है। अगर रियाल रेट के मतलब बात करें तो रियाल रेट भाई कल की निस्बत मुझे बेहतरी इसमें कुछ महसूस हुई है, वो है जी 60 रुपये 72 पैसे, ये एक्सचेंज रेट है। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं, और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अगर इंडिया की बात करें तो आपको 21.78 एंड बांग्लादेशी टका 28.5 हो चुका है, 28 टके 5 पैसे। अभी जो पाकिस्तान में आप लाकर अगर रियाल चेंज करवा रखे हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त आपको रेट मिल रहा है जी 62, यानी कि 61.90 या 61.80-90 से लेकर 62.20-30 तक का रेट मिल रहा है। मुख्तलिफ अगर पाकिस्तान में आप जब रियाल चेंज करवाते हैं तो आपकी जो सिटी में बड़ी शॉप हैं एक्सचेंज रेट की, एक्सचेंज की, वहाँ पर आप दो तीन यानी कि शॉप का विजिट करें जहाँ से आपको बेस्ट मिले वहाँ पर उनको दें। तो अभी बैंकों के हिसाब से रेट सुन लें जी। सबसे पहले बात करेंगे आज वेस्टर्न यूनियन की, इनका रेट आज का 60 रुपये 25 पैसे रहा जी, और 23 रियाल इनकी फीस है जी। वेस्टर्न यूनियन के मतलब आपको बताओ, अच्छा मनीग्राम के मतलब अगर बात करें तो इनका रेट आज का 60 रुपये 28 पैसे रहा, और 23 रियाल इनकी फीस है जी। अगर राजी बैंक तहवीर राजी की बात करें तो आपको आज का रेट 60 रुपये 5 पैसे मिलेगा, और इनकी 10, 17 एंड 25 रियाल फीस होती है जी। अगर STCPA की बात करें तो आपको 60 रुपये 12 पैसे आज का रेट, और 17 रियाल 25 हलाले इनकी फीस है जी। अगर फौरी बैंक बैंकल जजीरा की बात करें तो आपको 60 रुपये 18 पैसे आज का रेट मिलेगा, और इनकी भी 10, 17 रियाल फीस है जी। अगर बात करें क्विक पे के मतलब तो आज का रेट 59 रुपये 90 पैसे है जी, क्विक पे का रेट आज डाउन है थोड़ा, और इनकी 10 एंड 17 रियाल फीस है। अगर इंजाज बैंक की बात करें और इंजाज बैंक की तो इंजाज बैंक आज का 60 रुपये 23 पैसे रेट दे रहा है, और इनकी भी 10, 17 एंड 25 रियाल फीस है। बाकी मुस्लिम बैंकों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, मजीद रियाल कुछ नीचे आ सकता है, यानी कि आने वाले 1-2 दिनों में, यानी कि 1 हफ्ता या 10 दिन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि ये रेट दोबारा से 50 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।